कल क्या है, कल क्या है, कल क्या है। इस तरह का एटीट्यूड वाकई में बर्दाश्त से बाहर है। किस तरह से वो जहाँ पर आते हैं, वैसे भी यहाँ पर एक परंपरा रही है कि जब भी डिपार्टमेंट के लोग जाते हैं, वहाँ की जो एसोसिएशन है उनके प्रधान के साथ बैठ करके एक प्लान करते हैं। अगर कोई डिपार्टमेंट को लगता है कि कोई इस तरह की कोई एक्टिविटी है, तो प्रधान के साथ मिल करके वो मार्केट में जाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि इनकी तरफ से कोऑपरेशन नहीं मिलती, लेकिन जो एटीट्यूड था विपिन भगत का, वो जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मैंने अभी डायरेक्टर CAPD से बात की, सबसे पहले मैंने जो फूड सेफ्टी है, मैंने उनके डिपार्टमेंट में पता किया कि क्या उनकी टीम कोई गई है, तो मुझे उनकी तरफ से कहा गया कि हमारी टीम कोई नहीं है, ये CAPD की टीम है। और CAPD जो है, पहले उनकी अपनी अथॉरिटी उनको चेक करनी चाहिए कि उनका उनकी पोजीशन क्या है, उनके पास कोई अथॉरिटी है कि नहीं है इस तरह की, जिस तरह के वो आकर के चेकिंग कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ रेट चेकिंग कर सकते हैं कि कहीं रेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ना तो वो कोई सैंपल उठा सकते हैं, ना कोई और एक्टिविटीज जो है वो कर सकते हैं। और जिस तरह से पुलिस को लेकर के और एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को लेकर के ये लोग जहाँ पर आए हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। हम लोग जो है इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले समय में ये ना हो कि अगर ये अभी नहीं रुकी और विपिन भगत के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं हुआ, तो जम्मू बंद के लिए भी हमें मजबूर किया जा रहा है। जिस तरह से तूल कैसे नहीं देंगे आज, जिस तरह से वो बदतमीजी करके गया ना विपिन भगत जी, आराम से बात करता ना यहाँ पर आकर। विपिन भगत जी हमारे वेयर हाउस में आए थे और पुलिस फोर्स के साथ उन्होंने दुकान पे जबरन चेकिंग की। और जब मैंने उनसे पूछा, भाई साहब क्या बात है, आप बताइए, डायरेक्शन जो भी हो आप बताइए, मेरे को क्या, मेरे को क्या है, लेकिन वो कह रहे पुलिस फोर्स के साथ आए। लेकिन जब सम्मान वेयर हाउस की सम्मान की बात आएगी, व्यापारियों की सम्मान की बात आएगी, हम जो है आज से हमने असेंशियल सप्लाई का कट ऑफ जो है बंद कर दिया है, और व्यापारियों की आन शान की खिलाफ जो भी कोई बात करेगा वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने देखा जिस तरह से वेयर हाउस के व्यापारी 200 करोड़ का टैक्स कलेक्ट करके सरकार को देते हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री हमारे सीनियर सिटीजन को पद्मश्री दे रहे हैं, दूसरी तरफ विपिन भगत जी हमारे को ये सम्मान दे रहे हैं, पुलिस के साथ आके जबरन जो है दुकान पे जाके चेकिंग करते हैं, और चेकिंग के नाम पे हमारे व्यापारियों को हरास कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है 10 साल से वेयर हाउस में रूटीन चेक कर रहा है, लेकिन ये तानाशाही और जिस तरह से CAPD डिपार्टमेंट का, जिस तरह से FCI डिपार्टमेंट और CAPD डिपार्टमेंट जिस तरह से आज वेयर हाउस में आया है, हम ये हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग है, उसको उस अफसर को सस्पेंड किया जाए। आपकी जो बातें हमने सुन ली है, ठीक है ना, मैं ये आपका डिप्टी डायरेक्टर ED से पूछ लूँगा किस रिगार्डिंग में उन्होंने क्या कहते हैं ये इंस्पेक्शन की थी। पर सेम टाइम देखिए, अब ये जो आपका जो मसला, नहीं बिना माइक के भी हो जाएगा, जो आपका ये मसला है ना, ये तो बैठ के हल होने वाला है, रोड में आने की जरूरत तो है नहीं इसमें। जो आपका मसला है, मैं डिप्टी डायरेक्टर और ये ED उससे बात कर लूंगा, क्या इशू है, क्यों चेकिंग की है। एक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।